उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 70,000 भर्तियां बिना पेपर लीक हुए हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र तक हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित की हुई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे। उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है, नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं, लेकिन संज्ञान में आया कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली। अब इसकी जांच कराई जाएगी। कानून तोड़कर जो जमीनें खरीदी गई हैं वह सभी सरकार के निहित होंगी। उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। वो काम हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि निवेश भी हो, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है, और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं, चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद, सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।